सो गाइस, अभी मैं अयोध्या में घूम रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पे, और देखते हैं कि मंदिर यहाँ से कितने दूर है। वैसे काफ़ी दूर है, अभी पैदल जा रहा हूँ। बस पकड़नी है, लेकिन यहाँ इस रूट पे बस नहीं चलती है। लेकिन इधर से एक चौक आता है, चौक का नाम उसको भी अभी याद नहीं आ रहा है। उस चौक पर हमें मिलेंगी बस जन्मभूमि तरफ जाने वाली। वहाँ से 15-20 रुपये टिकट होगी, तो वहाँ तक के अभी पैदल जाना पड़ेगा चौक तक के। और कुछ तो भी चौक का नाम था यार, अभी याद नहीं आ रहा है उस चौक का नाम। तो देखते हैं, जाते हैं, और पूरे ब्लॉग आपको नागपुर एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे गाइज। अमेजिंग। हमारा जरा सा आईफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह आ रहा है कि इसका नेट ऑफ हो जाता है, यानी स्क्रीन लॉक होने पर डाटा नहीं चलता। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि वीडियो समय पर अपलोड नहीं हो रहे। स्क्रीन ऑफ होती है तो तुरंत ये हो जाता है, और स्क्रीन कंटिन्यू ऑन रखो तो डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है, यानी बैटरी डाउन हो जाती है। डाटा तो 5G है, अनलिमिटेड है, लेकिन वो प्रॉब्लम है स्क्रीन ऑफ होने पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते थोड़ा घूमते चलते हैं। वैसे 12 बजे तो मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन अभी कर क्या सकते हैं ना, साधन रहता तो नहीं तो लिफ्ट मांग के भी जा सकते हैं। वैसा करते लिफ्ट मांग के जाते हैं। मैं देखता हूँ कि अगर आईफोन वाला अगर कोई दुकान शॉप मिले तो उससे सेटिंग करवा लूँ अपनी, है ना। बाकी अयोध्या तो बहुत नीट एंड क्लीन है, अमेजिंग है, पूरा व्लॉग आएगा। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपने जो घर के पालतू जानवर वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाहर घुमाने पे उस पर फाइन लगता है। इसके पालतू जानवर यहाँ पे नहीं दिखते हैं, और जैसे गाय बैल ये हमारे नागपुर शहर में बहुत रहते हैं रोड पर, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगी। और सिटी तो बहुत क्लीन है। अब बाकी लोगों पे भी डिपेंड करता है कि लोग कचरा ना करें। लोग कचरा करेंगे तो उसमें नगर निगम क्या करेगा, है ना। वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी समझदारी होनी चाहिए कि हमें कचरा नहीं करना है। बाकी आप देखो इधर, तो ये रोड है, इधर से चल रहे अपन धीरे धीरे। मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल की शॉप अगर मेरे को मिल जाए तो उस भाई से मैं अपनी सेटिंग करवा लूँ। जय बजरंग बली, बजरंग बली के दर्शन हो गए। तो ऐसा है गाइस, अयोध्या एक रोड दूसरा है और ये रोड दूसरा है। यहाँ पे काफ़ी पुराने घर आपको दिखाई देंगे। अगर अंदर के एरिया में देखोगे ना तो बहुत पुराने वाले मकान भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, बहुत पुराने मकान हैं। अभी भी अयोध्या में काफ़ी पुराने मकान और पुरानी बिल्डिंगें आज भी मौजूद है, राजा महाराजा के ज़माने की, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी चल रहे हैं ऐसे अपन धीरे धीरे। लिफ्ट मांग के भी जा सकते हैं, लिफ्ट मांगेंगे थोड़ा सा वीडियो अपलोड हो जाए तो। वही देख रहा हूँ मैं, एक बिल्डिंग है बाजू में, वो मैं दिखाता हूँ। तो मैंने पूछा यहाँ से कितने दूर है भाई, तो 8 किलोमीटर बताया उन्होंने। 8 किलोमीटर तो पैदल जाना मुश्किल है। एक चौक आता है यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर पे है, 4 किलोमीटर पे। उस चौक से फिर हमें राइट लेना पड़ेगा, और वहाँ से हो गए हमें प्रभु श्री राम के दर्शन, यानी वहाँ से और 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ऐसा है रूट, देखते हैं।